दादी का ऑपरेशन हो गया आंख का, अब आंख लगी है उल्लू की। मेरे को लग रहा है यहाँ से प्रॉब्लम होगी, कल बारिश में खड़ी थी ना। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं वापसी कॉलेज से घर, एंड एक हो गया सीन जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको व्लॉग में दिखाया था। तो सीन ये है कि मेरा देखो हॉर्न बज नहीं रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, और इसे एक चेक भी करवाना है। तो देखो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आदत है हमारी हॉर्न, हम मैं जब भी ओवरटेक लेता हूँ तो हॉर्न बजा के लेता हूँ ओवरटेक पर। अब ओवरटेक लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हॉर्न क्योंकि बज नहीं रहा है, एंड पीछे वाले आगे वाले बंदे को पता भी नहीं लग रहा है कि उसको मैं पीछे से आ रहा हूँ ओवरटेक के लिए। तो काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि आदत है जान नहीं रही हॉर्न बजाने की। एक दो महीने पहले से हॉर्न प्रॉब्लम कर रहा था, मतलब बज रहा था फिर बंद हो रहा था, बज रहा था बंद रहा। मुझे लगा कि पानी पुनी ऐसे चल गया होगा, पर मुझे नहीं पता था कि कितना अभी ख़राब हो जाएगा इन फ्यूचर कि बिल्कुल ही ना बजे। तो अभी जाऊँगा, इसको भी चेक करवाना है, एंड चलते हैं अभी ऐसे ही। मतलब आज KTM सर्विस सेंटर तो नहीं जाऊँगा, वहाँ पर नहीं चेक कराऊँगा, क्योंकि वहाँ पर जाने का मतलब क्या, अब क्या जाऊँ वहाँ पे। तो नॉर्मल किसी भी शॉप पर भी, मैकेनिक की दुकान पे भी चेक हो जाएगा। मेरे को लगता है इसमें पानी घुस गया है या फिर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, अभी देखते हैं। अगर वहाँ पे नॉर्मल दुकान पे ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो चलेंगे सर्विस सेंटर में, वहाँ पे करवाएंगे ठीक। एंड यहाँ पे भी आए हैं हम लोग, ये है 29 सेक्टर, सॉरी 28 सेक्टर है। तो इधर से बाईपास करते हुए बस आज ऐसी गेड़ी मार रहे हैं चंडीगढ़ में। आप देख सकते हो आज मौसम, मतलब धूप निकल आ चुकी है तो मौसम भी अच्छा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ तो गाइस एक और चीज़ है, यहाँ पे G20 का मतलब चंडीगढ़ में शायद कोई मीटिंग वूटिंग होने वाली है, तो उस करके वहाँ पर मतलब सजा रखा है, मतलब एक ये जो है ट्रिब्यून चौक, मतलब चंडीगढ़ में देखो हर जगह झंडे से दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी की पिक्चर्स लगी है रोड के साइड में एंड रोड के सेंटर में, तो देख सकते हो जैसे कि। और आगे में जो है ट्रिब्यून चौक, उसको भी सजा रखा है पूरा, कि हर हर सारे मतलब कंट्री के लगभग फ्लैग्स लगे हुए हैं। मैं आपको ले चलता हूँ, और ये देखो बोर्ड्स लगे हुए हैं वेलकम टू इंडिया। तो बाहर के देश की देश के आ रहे बंदे, तो यहाँ पर मीटिंग है G20 की। कि मैं सुबह जब जा रहा था तब मैंने देखा था कि यहाँ पे वो था, बिल्कुल सजा रखा था वो चौक। आपको मैं क्लिप छोड़ी सी दिखाता हूँ आपको, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ से, पर मैं सुबह की जो क्लिप मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो फ्लैग्स लग रहे हैं, तो ये इसलिए लग रहे हैं चंडीगढ़ में क्योंकि ये देखो G20 के लिए यहाँ पे शायद मीटिंग होने वाली है, तो बाहर ले दूसरी कंट्रीज़ के बंदे आएंगे इसलिए यहाँ पे मीटिंग हो रही है। तो ये देखो फ्लैग्स लगभग मैक्सिमम देश के लग रहे हैं, सारे कंट्रीज़ के फ्लैग्स। तो देखो कितने खूबसूरत लग रहा है चौक, एंड अभी देख तो सकते ही हो। तो ऐसे ही देख सकते हो सारे फ्लैग्स लग रखे हैं यहाँ पर, एंड चलो चलते हैं हेलो माजरा। और हेलो माजरा में वहाँ पे अपनी बाइक का पहले हॉर्न ठीक करते हैं, एंड हॉर्न ठीक करने के बाद दिखाते हैं आपको। उसके बाद मेरी थोड़े दाढ़ी उड़ी भी बढ़ चुकी है और बाल बुल भी थोड़े सेट नहीं है, उसे भी सेट करवाना है, एंड चलो चलते हैं मिलते हैं हेलो माजरे में। और गाइस क्योंकि रोड में बहुत देखो रस लग रहा है, तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो गाइस ये देख सकते हो आप लोग जाम कितना लंबा लगा हुआ आगे तक। तो गाइस आप लोग ये गाड़ी देख सकते हो क्या मस्त है, पुराने ज़माने जैसी एंड सही गाड़ी लग रही है, एंड जाम में फंस रखे हैं हम लोग। चलो अब कितना मिलते हैं आप लोग हेलो माजरा, एंड गाड़ी गाड़ी देखो क्या मस्त लग रही है। तो गाइस आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, एंड ये भाई से अभी हॉर्न ठीक कराऊंगा, और अभी हॉर्न मेरा बज नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा, अब यहाँ पे देखते हैं ठीक कराते हैं। मेरे को लग रहा है यहाँ से प्रॉब्लम होगी, कल बारिश में खड़ी थी ना तो बजी नहीं, अब हॉर्न नहीं बज रही।
तो गाइस बस उसकी तार निकल चुकी थी, ढीली हो चुकी थी नीचे से हॉर्न की, एंड वो ठीक होगी और बाकी चेन में ऑयल भी डलवा दिया क्योंकि कल बारिश की वजह से चेन में जंग लग गई थी, एंड सब कुछ ओके हो रिपोर्ट हो चुकी है। ये भाई बहुत सही सर्विस करता है, मैं इसी से मतलब कुछ छोटे मोटे काम करा लेता हूँ, बाकी सर्विस के लिए तो सर्विस सेंटर ही जाता हूँ। बाकी चलो चलते हैं, बाल बुल कटाते हैं फिर वहाँ मिलते हैं। गाइस आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे और अभी है नहीं, वो अभी जा रखा है वो, तो उसके आने के बाद कटवाते हैं। चलो वेट करते हैं बैठ के उसकी, जब तक देखते हैं कब तक आता है। हाँ भाई ठीक है तू? तो गाइस कटिंग कुटिंग हो चुकी है एंड चलो घर जाने की तैयारी है। फौरन मेरा फिर से बज नहीं रहा है, आप लोग कुछ सुना देता हूँ। ये देखो नॉर्मल तेरा बज रहा है, लग रहा है इसका दोबारा तार ढीली होगी, दोबारा जा रहा हूँ तो सही करा के फिर चलेंगे घर पे यहाँ पे। एंड चलो भाई चलते हैं अब। A few moments later. तो गाइस दोबारा आ चुका हूँ मैं यहाँ पे अपना तार टाइट करवाने के लिए, एंड अभी भाई अभी तार टाइट करेगा और वहाँ पे दुर्गा पूजा का थोड़ा वो हो रहा है प्रोग्राम सा, तो इसलिए भोजपुरी गाने चलने चल रहे हैं तो देख सकते हो। एंड यहाँ पे अभी देखते हैं कैसा टाइट होता तार। हो गया बजा के देखो। हाँ चलिए अब। तो गाइस हो चुकी है ठीक, इन्होंने अभी ये नया डाला, इसका ये जो था ये ख़राब हो चुका था, इसमें वायर लगती है वो थोड़ा मतलब पुराना हो चुका था, तो उसमें जंग जुंग से लग गई थी इसलिए वो हो गया, उसमें करंट सही से फोन नहीं रहा था तो अपना यह डल गया। अब चलो चलते हैं, अब जाने की बारी आई है तो चलो चलते हैं। ये देखो ये ठीक नहीं है कि अगर आप लोग जाओ, मतलब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि जैसा भी है ख़राब है, मगर अपने रूल से रूल के मुताबिक जाना चाहिए सब बराबर से, कि आप लोग अगर जा रहे हो बाई चांस कि किसी, मैं गलत नहीं बोलूँगा कि धर्म के हिसाब से जा रहे हो तो आप लोग हेलमेट ना पाओ, बल्कि अगर हेलमेट भी पाओगे तो आपकी सेफ्टी के लिए होगा, ये थोड़ी ना कि आपकी सेफ्टी के लिए नहीं होगा। जो भी है आप लोगों को जाना चाहिए, हेलमेट वेलमेट पहन के बिल्कुल बराबर से निकलना चाहिए। देखो जो लोग अभी जा रहे थे पीछे बिना हेलमेट गए, तीन तीन लोग जा रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसे ऐसे करना नहीं चाहिए, मगर फिर भी लोग करते हैं इसीलिए कि दिखाने के लिए कि हाँ भाई ऐसा वैसा जो भी है कि हम लोग इसलिए जा रहे हैं तो हम लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है कि भाई हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उन्हीं के साथ बुरा होगा, बाई चांस कोई दुर्घटना होगी, ऐसा ना हो कि हो ये दुर्घटना, मगर बाई चांस होगी तो हेलमेट नहीं पहने के कारण उनको ही होगा, तो कम से कम इतना तो करो कि हाँ भाई चलो जा रहे हो तो हेलमेट तो पहन के जाएं, कौन सा हेलमेट पहन के जाओगे तो आपकी वैल्यू ख़राब हो जाएगी जो भी, पर पता नहीं क्या होगा लोग फुकरीपंती के करके हेलमेट नहीं पाते हैं या उनके क्या माइंड है, माइंड सेट है उनका समझ नहीं आता है, इसलिए मैं तो यही बोलूँगा भाई चाहे पूजा हो चाहे पाठ जो भी हो जैसे भी है जहाँ मर्जी जाना हो अपना हेलमेट पहन के जाओ। कई लोग कावड़ लेने जाते हैं तो भी बिना हेलमेट के जाते हैं फुकरी पनते हुए, कई एक्सीडेंट होते हैं बंदे बिना हेलमेट करके कई मरते हैं, मगर लोगों को कौन समझाए। चलो छोड़ो जो भी है, जो जिसकी जैसी माइंड सेट है वो अपना समझेगा, बाकी चलो देखो मौसम कितना हो रहा प्यारा चंडीगढ़ में, एंड चलो चलते हैं घर पे हम लोग। देखो ट्रैफिक इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वाटर टैंक खड़ा हुआ, उसको जाना है राइट साइड एंड वो इस साइड से ले रहा है टर्न, तो इसलिए ट्रैफिक लग रहा है, बाकी गाड़ियाँ उसके पीछे रुक जाएंगी तो ट्रैफिक तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है यार, इन लोगों को भी समझना चाहिए। चलो एनीवेज जो भी हो हमारी तो बाइक है, बाइकें निकल जाती है, जो फोर व्हीलर्स है उनको दिक्कत पड़ती है। तो
गाइस आज हो गया हमारा लगभग सारा काम, कटिंग भी करवा ली हमने एंड हॉर्न भी ठीक करवा लिया। हॉर्न में मतलब करंट पास नहीं हो रहा था, उसमें थोड़ा जंग जुंग सा लग गया था, रस्ट हो गई थी तो इस करके हो नहीं रहा था, एंड हो गया अब सब बराबर। तो गाइस यार कम से कम वीडियो को यार लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो यार, कम से कम यार वीडियो तो अच्छी बनाता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, सपोर्ट करो भाई को यार, छोटे यूट्यूबर को आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्रिएटर को तो कहाँ से होगा यार, अपनी फैमिली भी अब 1000-1200 के करीब हो चुकी है, तो कम से कम कुछ सपोर्ट करो यार। पता नहीं मेरी नॉइज़ कैसी आ रही है, विंड क्योंकि विंड हवा बहुत चल रही है आज, तो विंड ब्लास्ट ज़्यादा हो रहा है तो पता नहीं कैसे हवा जा रही होगी। तो गाइस चलो मिलते हैं अब आपको सीधा घर पे। तो गाइस हो चुका हूँ मैं घर पे एंड चलो चलते अंदर। तो गाइस यहाँ पे देखो अब दादी का ऑपरेशन हो गया आंख का, अब आंख लगी है उल्लू की दादी को रात में देखने के लिए। और का उल्लू का आंख लग ली ना, एक आंख सही है, एक आंख उल्लू, एक आंख से दिन में देखेगी, एक आंख से रात में देखेगी उल्लू की आंख से। कितना टाइम लगा ऑपरेशन का, कितना टाइम लगा था तो हो चुका है अब ऑपरेशन सक्सेसफुल, तो बस जैसा देख सकते हैं अभी दादी कहानी हो चुकी है। तो गाइस ऑपरेशन भी हो गया है एंड बाइक भी ठीक हो चुकी है और बाल बुल भी सब कटा लिए एंड खाना वाना सब हो गया कंप्लीट। आप लोग भी खाओ पियो, बस ब्लॉग को आज यहीं पे करते हैं, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, मुझे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले किसी वीडियो ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।